हेलो फ्रेंड्स, मैं सचिन अरोड़ा एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं अरोड़ा एजुकेटर के इस ऑफिशियल यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर, जहां आज इस सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं एग्जाम एनालिसिस। पंजाब लाइब्रेरियन का जो एग्जाम हुआ है उसमें कंप्यूटर सेक्शन में कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए, क्या रहा एग्जाम का लेवल और क्या था क्वेश्चन का सही जवाब, इस पर कंप्लीट एनालिसिस रहने वाली है आज के सेशन में। तो चलिए जानते हैं कि एग्जाम में कंप्यूटर के क्वेश्चन का लेवल क्या रहा और क्या होना चाहिए था सही जवाब पूछे गए क्वेश्चंस का। हैव अ लुक गाइस। लेकिन उससे पहले एक छोटी सी इंफॉर्मेशन है जो आप तक कम्युनिकेट करनी है। जैसे कि आप लोग में से बहुत लोग ऑलरेडी इस बैच का पार्ट बन चुके हैं, पंजाब स्पेशल बैच, यानी पंजाब में होने वाले जितने भी एग्जाम हैं उनमें जो कंप्यूटर पूछी जाती है, चाहे वो पटवारी हो, चाहे वो एसआई का एग्जाम हो, चाहे वो बैंक रिलेटेड एग्जाम हो, चाहे एक्साइज रिलेटेड एग्जाम हो, यानी कोई भी एग्जाम हो और उसमें कंप्यूटर का कंप्लीट सिलेबस यहाँ पर करवाया जा रहा है। बैच शुरू हो चुका है 1 जुलाई से और ये बैच चलेगा 4 अगस्त तक। और अगर आप अभी तक नहीं जुड़े हैं और आप सोच रहे थे कि एक बार लगकर कंप्यूटर की कंप्लीट तैयारी कर ली जाए, कॉन्सेप्ट वाइज और एमसीक्यू वाइज दोनों, जहां पर आपको पीडीएफ भी प्रोवाइड की जा रही है और कंप्लीट एक कंप्यूटर का सॉल्यूशन आपको दिया जा रहा है बेहतरीन तरीके से, तो अगर आप इस बैच को ज्वाइन करना चाहते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में आपको लिंक दिया हुआ है, उस पर जाकर आप क्लिक कर सकते हैं और इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। बैच की जो फीस है वो 500 रुपीज है और किसी भी अन्य क्वेरी के लिए अगर कोई भी क्वेश्चन है, कुछ पूछना चाहते हैं आप, तो दिए गए नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप करके भी आप अपनी क्वेरी को पूछ सकते हैं। अगेन बाय लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा और आप वहां जाकर इसको बाय कर सकते हैं। बाय करने के बाद सारी इंफॉर्मेशन आपकी ईमेल आईडी पर आ जाएगी। तो शुरू करते हैं आज के सेशन को गाइस। ये रहा पहला क्वेश्चन स्क्रीन के ऊपर, हैव अ लुक। विच एरिया इन एमएस एक्सेल अलाउज यू टू एंटर वैल्यूज एंड फॉर्मूला। तो पहला क्वेश्चन एमएस एक्सेल से देखने को मिल रहा है और कह रहा है कि एक्सेल में ऐसा कौन सा एरिया है जहां पर हम वैल्यू या फॉर्मूला को एंटर करते हैं, टाइटल बार, मेन्यू बार, फॉर्मूला बार या स्टैंडर्ड टूल बार। बिल्कुल सही, और इस क्वेश्चन का सही जवाब था फॉर्मूला बार। तो हम लोग जानते हैं एक्सेल में कई तरीके के फॉर्मूला होते हैं और ये जो फॉर्मूलेज होते हैं ये सब फॉर्मूला बार में ही हमें दिखते हैं। अब यहाँ पर हमने एक इमेज के थ्रू आपको दिखाया भी हुआ है कि किस तरीके से आप किसी भी फॉर्मूला को इक्वल्स टू साइन की मदद से स्टार्ट कर सकते हैं और उसको फ्रेम आउट कर सकते हैं फॉर्मूला बार में। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस। दूसरा क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया था कंप्यूटर सब्जेक्ट से, व्हाट डज काउंट ए फंक्शन डू, यानी अगेन एमएस एक्सेल से क्वेश्चन, और काउंट ए फंक्शन क्या करता है कंप्यूटर में या एमएस एक्सेल में, ये आपको बताना है। तो इसमें ऑप्शन जो दिए हुए थे वो थे काउंट सेल हैविंग अल्फाबेट, काउंट सेल हैविंग नंबर्स, काउंट्स एम्प्टी सेल या काउंट्स नॉन एम्प्टी सेल। तो काउंट ए का मतलब होता है काउंट ऑल, यानी जितनी भी चीजें हैं एक्सेल शीट में उन सबको ये काउंट कर देगा, लेकिन एम्प्टी सेल को ये काउंट नहीं करता है। तो आंसर है काउंट नॉन एम्प्टी सेल। नॉन एम्प्टी सेल मतलब सेल में जो भी कुछ होगा उसको ये काउंट कर देगा, चाहे वो नंबर हो, चाहे वो अल्फाबेट हो या कोई भी एरर हो, उसको भी ये काउंट कर देता है, लेकिन एम्प्टी सेल को ये काउंट नहीं करता, ब्लैंक सेल को ये काउंट नहीं करता है। समझ में आ गया? तो यहां पर मैंने दिया भी है एक्सप्लेनेशन के तौर पर, आप देख सकते हैं, काउंट ए विल काउंट एवरीथिंग, नंबर्स, डेट, टेक्स्ट और अ रेंज Containing a mixture of these items, इन सबको काउंट करता है, but does not count blank cell, empty cell को ये काउंट नहीं करता, और काउंट ए की फुल फॉर्म होती है काउंट ऑल। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। इन विच ऑफ द फॉलोइंग टोपोलॉजी इन कंप्यूटर नेटवर्क एवरी होस्ट इज कनेक्टेड टू अ सेंट्रल हब एंड सेंट्रल हब एक्ट एज अ चैनल टू ट्रांसमिट मैसेजेस। कितना प्यारा क्वेश्चन नेटवर्किंग से पूछा गया है। कह रहा है अगर इनडायरेक्टली अगर हम देखें तो क्वेश्चन पूछा गया है
कि हब का इस्तेमाल किस टोपोलॉजी में किया जाता है। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है और आंसर आप लोग जानते होंगे, दैट इज स्टार टोपोलॉजी। बिल्कुल सही, स्टार टोपोलॉजी में ही हम हब को एज अ सेंट्रल डिवाइस के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। और अगर हम स्टार टोपोलॉजी की बात करें तो कुछ इस तरीके का इसका फ्रेमवर्क होता है, जहां पर सभी कंप्यूटर्स जो हैं वो एक सेंट्रल डिवाइस से कनेक्टेड होते हैं, जिसको हब बोलते हैं। क्लियर है गाइस? अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया था कि व्हाट इज द पर्पस ऑफ कंट्रोल प्लस राइट एरो इन एमएस वर्ल्ड, यानी एमएस वर्ल्ड में कंट्रोल के साथ राइट एरो क्या परफॉर्म करता है। तो आपको पता होगा कि ये कर्सर को वन वर्ल्ड राइट पर लेकर जाता है। तो आंसर क्या होगा? मूव द कर्सर वन वर्ल्ड टू द राइट, यानी फोर्थ यहां पर बिल्कुल सही जवाब था। बहुत ही कॉमन सा क्वेश्चन पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट यूज्ड एज अ सेकेंडरी स्टोरेज, यानी मेमोरी से क्वेश्चन आता हुआ, स्टोरेज से क्वेश्चन आता हुआ, क्या रहा इनमें से कौन सा सेकेंडरी स्टोरेज का पार्ट नहीं है, किसको एज अ सेकेंडरी स्टोरेज हम इस्तेमाल नहीं करते? मैग्नेटिक टेप, कॉम्पैक्ट डिस्क, सेमीकंडक्टर मेमोरी या हार्ड डिस्क? मैग्नेटिक टेप ये सेकेंडरी स्टोरेज है, कॉम्पैक्ट डिस्क आप जानते हैं ये एक ऑप्टिकल स्टोरेज है जो कि सेकेंडरी स्टोरेज टाइप की ही है, हार्ड डिस्क भी आपकी सेकेंडरी स्टोरेज है, लेकिन सेमीकंडक्टर मेमोरी जिसमें रैम और रोम काउंट किए जाते हैं ये आपकी सेकेंडरी स्टोरेज नहीं है। तो आंसर यहां पर बनने वाला है सेमीकंडक्टर मेमोरी। अब यहां पर हमने आपको एक सेमीकंडक्टर मेमोरी की इमेज भी दिखाने की कोशिश करी है, जैसे इसमें रैम इंक्लूड होता है, रोम भी इसमें आता है, और रैम आपकी दो तरीके की होती है, एक स्टैटिक और एक डायनेमिक। रोम आपकी दो तरीके की होती है मेनली, पी रोम, एम रोम, वैसे और भी होती हैं जैसे ईपी रोम, ईपी रोम, फ्लैश, पीसीएम, है ना, एंड बहुत सारी। और फिर फ्लैश को भी हम डिवाइड करते हैं नॉर और नैंड में। तो ये बेसिकली होती हैं आपकी सेमीकंडक्टर मेमोरी, समझ में आ गया, जो कि आप प्राइमरी मेमोरी का ही पार्ट मान सकते हैं लेकिन सेकेंडरी स्टोरेज का नहीं। अगला क्वेश्चन देखिएगा गाइस, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा गया है। अ फिजिकल लोकेशन वेयर प्यूपिल में ऑब्टेन इंटरनेट एक्सेस टिपिकली यूजिंग वाईफाई टेक्नोलॉजी थ्रू अ वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क इज कॉल्ड, यानी एक फिजिकल लोकेशन का इस्तेमाल करते हुए एक वाईफाई एरिया को क्रिएट करना, इसे हम क्या बोलते हैं? तो आंसर है ये हॉटस्पॉट कहलाता है, दिस टाइप ऑफ एरिया इज कॉल्ड हॉटस्पॉट। समझ गए आप लोग? तो हम लोग मोबाइल, यानी ये एक तरीके का पर्सनल एरिया नेटवर्क होता है जो हम अपने मोबाइल के थ्रू बना सकते हैं, राउटर्स के थ्रू भी बना सकते हैं, एक्सेस पॉइंट के थ्रू भी हम हॉटस्पॉट को जनरेट कर सकते हैं। तो एक लोकल एरिया नेटवर्क ही एक तरीके का होता है जो कि वायरलेस फॉर्म में होता है। क्लियर है? वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या पूछा गया था। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसीडर्ड एज द अनसॉलिसिटेड कॉमर्शियल ईमेल, यानी एक ऐसा ईमेल जो कि अनसॉलिसिटेड है, मतलब अनवांटेड ईमेल, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? तो बहुत ही फेमस क्वेश्चन है ये, एंड दिस इज कॉल्ड स्पैम। तो अनवांटेड या अनसॉलिसिटेड मेल को क्या कहते हैं? स्पैम कहते हैं। एंड दिस इज अ टाइप ऑफ अ फ्रॉड, ये एक तरीके का फ्रॉड है जिससे सिस्टम को हैक भी किया जा सकता है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन था अलाउज यू टू सेंड कॉपीज ऑफ योर ईमेल टू मल्टीपल कॉन्टेक्ट विदाउट रिवीलिंग द रिस्पेक्टिव ईमेल एड्रेस टू योर रेसिपिएंट। कह रहा है कि इस फीचर को क्या बोलते हैं जिसके थ्रू हम रेसिपिएंट को ईमेल तो कर सकते हैं लेकिन वो ये नहीं देख पाएगा कि वो मेल हमने किस किस को किया। तो अलाउज यू टू सेंड कॉपीज ऑफ योर ईमेल टू मल्टीपल कॉन्टेक्ट विदाउट रिवीलिंग द रिस्पेक्टिव ईमेल एड्रेस। तो कई लोगों को मेल किया लेकिन वो ये नहीं देख पाएंगे कि किस किस को मेल गया। तो इसका मतलब ब्लाइंड कार्बन कॉपी इसका बिल्कुल सही जवाब बनेगा, बीसीसी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जनरेशन से क्वेश्चन पूछा जा रहा है।
फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर्स आर बेस्ड ऑन। देखिए जब हम फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर की बात करते हैं, सबसे पहले अगर फर्स्ट जनरेशन की बात करें तो वहां पर वैक्यूम ट्यूब्स का यूज होता है, सेकेंड जनरेशन में ट्रांजिस्टर का यूज होता है, थर्ड जनरेशन में आपकी आईसीज का इस्तेमाल होता है, इंटीग्रेटेड सर्किट जिसको बोलते हैं, फोर्थ जनरेशन में वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट का यूज होता है, और फिफ्थ जनरेशन में इस्तेमाल होता है आपका ULSI का, यानी अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन टेक्नोलॉजी, है ना। तो आप समझ सकते हैं कि फोर्थ जनरेशन में माइक्रो प्रोसेसर आया जो कि VLSI स्टेज का था, और फिफ्थ जनरेशन में आपका अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन का इस्तेमाल हुआ, और इसकी मदद से ही हम लोग जितने भी रोबोटिक्स हैं उन पर काम कर पाते हैं, और जितने भी हमारे हाई एंड काम हो रहे हैं, जितने भी मैनुअल लेस काम हो रहे हैं, जो मशीन बेस्ड काम हैं, वो आपकी ULSI टेक्नोलॉजी की मदद से ही किए जा रहे हैं। समझ में आ गया आपको? तो बहुत ही स्मॉल तरीके की चिप है। नेक्स्ट देखिए, इन नेटवर्किंग कॉन्सेप्ट फुल फॉर्म ऑफ NIC, यानी अगेन नेटवर्किंग से क्वेश्चन आता हुआ और NIC की फुल फॉर्म पूछी गई है, जिसकी फुल फॉर्म है नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। आप जानते हैं कि अगर हम लोकल एरिया नेटवर्क की बात करें या सिस्टम्स को इंटरनेट से कनेक्ट करने की बात करें तो बिना NIC के ये काम हो ही नहीं सकता। इसको ईथरनेट कार्ड के नाम से भी जाना जाता है, दैट इज कॉल्ड NIC नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, और इसी कार्ड के ऊपर आपका मैक एड्रेस होता है। तो ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछते हैं कि मैक एड्रेस किसके ऊपर मेंशन होता है, तो आंसर है NIC कार्ड के ऊपर। तो बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ फाइल एक्सटेंशन PNG? PNG की फुल फॉर्म पूछी गई है कि PNG एक तरीके की फाइल है, और शायद आप लोग जानते होंगे कि PNG फाइल लोगोस के लिए यूज की जाती है, एक तरीके से ट्रांसपेरेंट फाइल होती है, जैसे कि आप देख रहे हैं हमने PNG की इमेज भी लगाई है, और ये बेसिकली PNG ही इमेज है। तो PNG का मतलब होता है पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स, पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स इज द फुल फॉर्म ऑफ PNG। तो यानी फोर्थ यहां पर आपका बिल्कुल सही आंसर होता हुआ। तो देखिए आपने यहां पर देखा कि किस तरीके के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए, आपको शायद लेवल समझ में आया होगा, क्वेश्चन क्या था और इसका आंसर क्या होना चाहिए, शायद ये भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसी तरीके से अगर आप डिटेल स्टडी करना चाहते हैं, क्योंकि जो अब एग्जाम आगे हैं आपके पटवारी और फिर उसके बाद SI, जहां पर सिलेबस बहुत वाइड है और कंप्यूटर एक अहम भूमिका निभाएगा आपके सिलेक्शन में, और अगर आप चाहते हैं कि 100% स्कोर कंप्यूटर सब्जेक्ट में आप करें, और अभी तक आपने इस बैच को ज्वाइन नहीं किया है, तो बिना देर किए, क्योंकि इसके बाद आपको कोई भी बुक पढ़ने की रिक्वायरमेंट नहीं है, ना कोई दूसरी वीडियोस देखने की रिक्वायरमेंट है, एक फुल फ्लेज बैच है जहां पर कॉन्सेप्ट आपको समझाए जाएंगे, MCQs करवाए जाएंगे बहुत सारे उस पर बेस्ड, ताकि कोई भी कॉन्सेप्ट आपसे छूटे नहीं, प्लस हर एक सेशन की PDF आपको प्रोवाइड की जाएगी। डेली ये सेशन चलता है लाइव, 5 o'clock पर इसकी टाइमिंग है, तो जैसे ही आप ज्वाइन करते हैं आपके ईमेल ID पर सारा स्टफ आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा, और अगर कोई भी कंफ्यूजन है या कुछ भी आप जानना चाहते हैं तो दिए हुए नंबर पर भी आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। और साथ ही साथ हम आपको ये भी बता दें कि ये बैच 1 जुलाई से स्टार्ट हो चुका है, जितनी वीडियोस आपकी लाइव मिस हो चुकी हैं वो आपको रिकॉर्डेड मोड में मिल जाएंगी, तो घबराने की भी रिक्वायरमेंट नहीं है यहाँ पर कि वो क्लासेस नहीं मिलेंगी। आप जितनी बार चाहें उतनी बार वीडियोस को प्ले कर सकते हैं, जितनी बार चाहें उतनी बार देख सकते हैं, तो ये भी एक प्लस पॉइंट है। तो हर तरफ से आपकी बेनिफिट को सोचते हुए इस बैच को लाया गया है, बहुत ही कम रेट में, और वो है सिर्फ 500 में। 35 क्लासेस में आपके पूरे कंप्यूटर का सिलेबस कवर होगा, चाहे किसी भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो, पटवारी हो, SI हो, एक्साइज हो, या whatever the exam is, क्लियर है guys? तो बिल्कुल आप ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी इसी तरीके के सेशंस मैं लेकर आता रहूंगा आप लोगों के लिए। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय एंड टेक केयर guys.